दोस्तों साउथ के कुछ ऐसे क्राइम थ्रिलर मूवीज जिन्हें देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रहने वाली है और इनकी स्टोरी सच में माइंड ब्लोइंग बनाई गई है। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर साउथ मूवीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में। इनमें से बहुत सारी ऐसी भी मूवीज है जो कि फिलहाल आपको हिंदी में अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन इनकी सबटाइटल आपको इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएंगी और इन सभी मूवीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नंबर 10, डार्क शेड्स ऑफ अ सीक्रेट। मूवी बेस्ड है हॉरर थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे दोस्तों से जो कि जंगल में हाइकिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर जाते ही उन्हें पता चलता है कि वो एक खतरनाक ट्रैप में फंस चुके हैं और उस ट्रैप से वो किस तरह बाहर निकलते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी फिलहाल किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसे बहुत जल्द Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी जाएगी और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.2। नंबर 9, अदृश्य जला कंगाल। मूवी बेस्ड है थ्रिलर एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है सिंपल एक ऐसे इंसान से जो कि अचानक से ही अपने आप को एक खतरनाक ट्रैप में पाता है और उस ट्रैप से वो किस तरह बाहर निकलता है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी की स्टोरी जितनी ज्यादा मिस्टीरियस है उतनी ही ज्यादा इसकी स्टोरी की प्रेजेंटेशन है। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.8। नंबर 8, कुमारी। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है कुमारी नाम की एक ऐसी लड़की से जिसकी नई नई शादी होती है एक आदिवासी इलाके में, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो एक ऐसे इलाके में रह रही है जो कि बहुत ही पुराने सभ्यता को मान्यता देती है और वो सभ्यता इंसानों की बलि चढ़ाने में भी पीछे नहीं हटती है। लेकिन कुमारी उस आदिवासी इलाके में जाकर क्या क्या कारनामे करती है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 7, अदृश्यम। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी लड़की से जो कि अचानक से ही गायब हो जाती है यानी कि किडनैप कर ली जाती है और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। एक ऐसा डिटेक्टिव जो कि किसी भी तरह से उस लड़की को ढूंढ के निकालना चाहता है और लास्ट तक वो अपने इस केस को किस तरह सॉल्व करता है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.9। नंबर 6, काकीपादा। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक 8 साल की लड़की को कोई ड्रग्स देकर मार देता है और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। पुलिस किसी भी तरह से किलर को ढूंढ के निकालना चाहती है और पुलिस लास्ट तक इस केस को किस तरह सॉल्व करती है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी की स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी फिलहाल किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसे बहुत जल्द नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी जाएगी और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.8। नंबर 5, गुरुदान। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे फीमेल स्टूडेंट से जिसे उसके ही कॉलेज वाले बहुत ज्यादा बुली करते हैं और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसा भी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है जो कि किसी भी तरह से उस लड़की को जस्टिस दिलाना चाहता है और लास्ट तक वह अपने इस काम को किस तरह सफल बनाता है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.3। नंबर 4, रजनी। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे छोटे से शहर से जहां पर अचानक से ही बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी जा रही होती है। कंप्लीट मूवी में इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की गई है कि असल में इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.9। नंबर 3, उन्नी उत्तरम। मूवी बेस्ड है सस्पेंस एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है जानिका नाम की एक ऐसी लड़की से जो कि पुलिस स्टेशन में जाकर कन्फेशन करती है कि उसने किसी का कत्ल किया है, लेकिन जानिका जब पुलिस वालों को उसकी डेड बॉडी दिखाने के लिए उस जगह पर पहुंचती है वहां पर कोई भी लाश नहीं मिलती है और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। जानिका ये तो बोलती है कि उसने एक मर्डर किया, लेकिन पुलिस किसी भी तरह से उस डेड बॉडी को ढूंढ कर निकालना चाहती है जिसे एक्चुअल में जानिका ने मारा है। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Zee5 पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4।
नंबर टू जॉन लूथर। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक टीचर जो कि अचानक से ही मिसिंग हो जाती है, यानी कि किडनैप हो जाती है। इसी बीच एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर जॉन लूथर जो कि किसी भी तरह से इस मिस्टीरियस केस को सॉल्व करना चाहता है और लास्ट तक इस केस को वो किस तरह सॉल्व करता है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.9। नंबर वन नीरू। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी अंधी लड़की से जिसके ऊपर एक व्यक्ति अत्याचार कर चुका होता है, लेकिन वो लड़की किसी भी तरह से जस्टिस पाना चाहती है। इसी बीच एक ऐसा भी ऑनेस्ट एडवोकेट है जो कि उस लड़की को किसी भी तरह से जस्टिस दिलाना चाहता है और लास्ट तक वो इस केस को किस तरह हैंडल करता है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट मूवी। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।